खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां विगत दिनों हुई चिरौला मंदिर में पुजारी की जेब से 9000 रुपए चोर ने पार कर दिया था। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि मंदिर में विगत दिनों मंदिर के पुजारी के यहां काम करने वाला एक आरोपी पुजारी की जेब से 9000 रुपए पार कर दिया था, जिसकी शिकायत बिछिया थाने में की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 4000 रुपए बरामद कर लिया है। वहीं अभी पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। 16-17 के दरमियानी रात जो है चिरौला मंदिर में एक पुजारी जी है, रामजी उपाध्याय जी, वहाँ पूजा का काम करते हैं। उसी दौरान जो है रात्रि में एक वहीं का काम करने वाला कर्मचारी जो है उनकी जेब में रखे हुए पैसे जो है 9000 रुपये निकाल लिया था। उनको सूचना दी गई थाना बिछिया को, सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। दौरान पता चला कि वहाँ का काम करने वाला जो है विजय यादव, निवासी लखैया थाना रायपुर कसुलियान का है, उसके द्वारा जो है चोरी घटना को अंजाम दिया गया है। संदेह के आधार में उसको लाकर पूछताछ की गई, जिसने घटना कबूल किया है और उससे जो है पैसे बरामद हुए। कितने पैसे बरामद हुए? 4000 रुपये बरामद हुए, बाकी जारी है पूछताछ जारी है। टोटल कितने रुपये निकाले गए थे? 9000 रुपये नकद उसने जेब से निकाला था।